हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन लागू होने के बाद से देश भर के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों के पलायन के मामले सामने आते रहे हैं। कई प्रवासी मजदूर खाने पीने और रहने की समस्या से परेशान होकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल ही अपने घर को निकल गए। वहीं सिरसा में आज कुछ प्रवासी मजदूरों का दिलचस्प मामला सामने आया। सिरसा की सुभाष बस्ती में रहने वाले बिहार के 9 मजदूरों ने पहले नई साइकिल खरीदी और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना के लिए रवाना हो गए। छुपते छुपाते साइकिलों पर सवार होकर सभी मजदूर 3 दिन बाद रोहतक पहुंचे, जहां रोहतक पुलिस ने इन्हें काबू किया। सभी की साइकिल जब्त कर रोहतक पुलिस विशेष बस से इन्हें सिरसा के सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर गई। पुलिस ने इन्हें सुभाष बस्ती भेज दिया, लेकिन बस्ती के लोगों ने इन्हें घरों में घुसने से रोक दिया। वार्ड पार्षद रीना सेठी को मामले की सूचना दी गई। रीना सेठी ने स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन को बुलाकर इन सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई। प्राथमिक जांच में इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले, फिर भी एहतियात के तौर पर क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रीना सेठी ने बताया कि इन सभी के लिए श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट से आ रहे लंगर से खाने की व्यवस्था महीने भर से चल रही है, ताकि सिरसा में कोई भी शख्स भूखा न रहे। अभी एक बार इनकी थर्मल स्क्रीनिंग हमने कर ली है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और इनके फोन नंबर वगैरह हमने सब ले लिया है, एड्रेस ले लिया इनका, तो अभी तो सारे ठीक है, नॉर्मल है। आगे अभी यही है, अभी एक बार 14 दिन ये ना कहीं जाए, ना किसी से मिले, एक बार और स्क्रीनिंग हो जाएगी उसके बाद। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों का पलायन जारी है। कोई पंजाब से चलता है और बिहार और उत्तर प्रदेश जाने को आतुर है, किसी को खाना नहीं मिल रहा। सिरसा में एक नया ही मामला है, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर बैठे भोजन मिल रहा है, फिर भी कुछ मजदूर ऐसे हैं जो सिरसा से नई साइकिलें जिन्होंने खरीदी और वे अपने बिहार और उत्तर प्रदेश जाना चाहते थे, लेकिन रोहतक पुलिस ने इन्हें काबू किया और वापस अब इन्हें सिरसा भेजा गया है, सिरसा छोड़ के गई है पुलिस की बस। ये मजदूर हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी दिक्कतें क्या रही, आखिरकार क्यों ये जाना चाहते थे। क्या नाम है तुम्हारा? शिवचंद। शिवचंद, यहाँ सिरसा में क्या तुम्हें दिक्कत आ रही थी, क्यों अपने घर जाना चाहते थे? दिक्कत तो कुछ नहीं आ रहा था सर, हम लोग देखे टीवी पर कि हाँ इतने आम जनता जा रहे हैं, यहाँ बाकी बेले थे कह रहे कि चलो घरे बेले बैठेंगे, यहाँ रहने से क्या फायदा है। टीवी देखे, पैदल ही यात्रा जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, हमके लिए हम लोग भी चला जाएंगे घर पे अपना। कोई रोटी पानी की कोई मुश्किल है यहाँ पर? रोटी पानी की तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों टाइम लंगर आ रहा है, लंगर खा रहे हैं लोग। तो ये एक और मजदूर भी है, इससे भी जानते हैं क्या समस्या थी यहाँ पर। समस्या सर हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, हमारे को रोटी मिलता था दोनों वक्त लंगर, तो हम यही चाहते थे कि हम तो कुछ दिनों के लिए घर चले जाए, लॉकडाउन है इसलिए हमने साइकिल खरीदा था और साइकिल से ही हम लोग यात्री कर रहे थे, तो बीच में हमें कोई शासन प्रशासन नहीं मिला था, हम लोग जा रहे थे दिन को ही रोटी बना करके, दिन को सो जाते थे छाई के नीचे, पेड़ के नीचे, तो रात रात को हम चलते थे अकेले बस। और हमारे को दिक्कत कुछ नहीं थी, सिर्फ घर पहुंचना था, यही एक ललक थी, यही एक लालसा थी, और इसी चक्कर में नई साइकिल ली और रवाना हो गए, लेकिन रोहतक पुलिस ने काबू कर लिया। इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और जो प्रशासन से और पुलिस से तालमेल बिठाया है, यहाँ की नगर पार्षद है रीना सेठी, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। आगे 3 दिन पहले ये लोग यहाँ से निकले हैं, कॉलोनी वासियों ने मुझे आज बताया, सुबह 6:30 बजे कॉल आया कि आज ये करीबन 10 बिहारी लोग हैं, ये लोग 3 दिन पहले यहाँ से निकले। इन्होंने ये भी बताया कि हमने इनको बहुत मना भी किया था कि अब रहने दो, कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये इन्होंने तब भी नहीं सुना और ये निकल गए, और आज 3 दिन बाद कल रात को रोहतक पहुंचने के बाद, सिरसा आने के बाद इनको सदर सिरसा में भेजा गया, वहां से आज सुबह ये 6:30 बजे अपनी कॉलोनी में वापस आए। उधर उसके बाद इनका कॉल आया कॉलोनी वालों का, इन्होंने बोला कि हमें सेफ नहीं लग रहा, तो किसी को बुलाया जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए, स्क्रीनिंग करवाई जाए, बस उसी के नाते आज मैं यहाँ आई और अभी इनकी स्क्रीनिंग हुई है, ये सब सेफ हैं, बट इनको अभी भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन के लिए बोला गया है, ये अब अपने अपने घरों में 14 दिन के लिए रहेंगे, और इनको नंबर दिया गया है, अगर कोई दिक्कत आती है तो ये उस नंबर पर कॉल करके बताएंगे। तो अभी खाने पीने की इनकी व्यवस्था करवाएंगे आप? खाने पीने की व्यवस्था पहले ही इस कॉलोनी में श्री तारा बाबा कुटिया ट्रस्ट के द्वारा पहले से ही चल रही थी।
लेकिन हमारी लगातार यही अपील है, प्रधानमंत्री की भी यही अपील है, मुख्यमंत्री की भी यही अपील है कि लॉकडाउन है, लोग घरों में रहे, वहीं भोजन पानी की व्यवस्था है। हालांकि कुछ जगह ऐसे समाचार आ रहे हैं मजदूरों को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन सिरसा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यही जो मजदूर है वो ये बात कह रहे हैं, उन्हें खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, बस घर जाना था। हम भी यही अपील करते हैं तमाम उन मजदूरों से और तमाम उन लोगों से, प्रवासी लोगों से, कि वे अगर खाने पीने की व्यवस्था तो वे अपने जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुरेंद्र दत्त के साथ अमित तिवाड़ी, हरियाणा न्यूज़।